ये चेहरे देश के गुनाहगार हैं। गुनाह इतना संगीन है कि आज 125 करोड़ लोग खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। ये क्रिकेट के पुजारी होते तो आज हम शान से सेमीफाइनल में होते। ये पैसों के पुजारी, ये आईपीएल खेलते हैं, ये देश की क्रिकेट टीम चुनते हैं, ये देश में क्रिकेट के कर्ता धरता है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले आईपीएल खेलकर, आईपीएल खिलाकर पैसा कमा लिया, पैसा बना लिया। अब देश के करोड़ों लोग जाएं चूल्हे में, इससे इनका कोई सरोकार नहीं। अगर इन्हें विश्व विजेता होने की चाहत होती तो इस बार भी वर्ल्ड कप से ठीक पहले आईपीएल नहीं होता। पैसे के हमारे पुजारी थके हारे मोहरों की तरह मैदान जंग में पिटने नहीं जाते, लेकिन खुद को मशीन मानने वाले, खिलाड़ी को मशीन बनाने वालों को विश्व विजेता बनने से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें चाहिए पैसा, सिर्फ पैसा, हमारा आपका पैसा। हमारे आपके पैसों से ये मालामाल होंगे और हम और आप बस जी भरकर रोएंगे। लेकिन अब बख्शने का वक्त नहीं, इनसे जी भरकर हिसाब मांगने का वक्त है। अगर इनमें शर्म है तो पीठ ना दिखाएं, मर्दों की तरह सामने आए, कबूल करें हार का गुनाह, कबूल करें देश से किया गया धोखा, कबूल करें हमसे हुई है देश से दगाबाजी। लेकिन नहीं, ये अपनी जिद पर अड़े हैं। नारेबाजी की बात की जाए, आई एम नॉट बॉदर्ड, यू नो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं हम अच्छा करें, हम साल भर क्रिकेट करके खेलते हैं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आई थिंक यू नो, जो लोग रोड पे उतर के नारेबाजी करते हैं, वी हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री देन देम, सो आई एम नॉट रियली बॉदर्ड, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। 125 करोड़ लोगों की उम्मीदों का कत्ल कर दिया गया। दो लगातार हार के बावजूद आखिरी मौका हाथ में था, लेकिन इसे भी शर्मनाक तरीके से गंवा दिया गया। आईपीएल में जीत के लिए पूरा दम झोंकने वालों को दुनिया ने वर्ल्ड कप में बिना मुकाबला किए घुटने टेकते देखा। कटघरे में सिर्फ खिलाड़ी नहीं, इन खिलाड़ियों को चुनने वाले सेलेक्टर्स भी हैं और अरबों की कमाई की खातिर आंखें बंद कर क्रिकेट की बर्बादी को बढ़ावा देने वाली बीसीसीआई भी। इस खास पेशकश में बात उन सभी की जो है देश के दगाबाज। जब कप्तान ही हराने पर आमादा हो तो जीत की उम्मीद ही बेमानी है। महेंद्र सिंह धोनी के अजीबोगरीब फैसलों ने टीम इंडिया की मिट्टी पलीद कर दी और रही सही कसर उनकी बैटिंग ने पूरी कर दी। चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में आईपीएल का खिताब दिलाने वाले धोनी वर्ल्ड कप से टीम का बोरिया बिस्तर जल्दी समेटने के लिए शुरू से ही उतावले नजर आए। सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में धोनी ने ऐसी टीम चुनी जो किसी के गले नहीं उतर सकती। तेज और उछाल वाली पिच पर महज 3 गेंदबाज खिलाए, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और वहां भी शुरुआत जहीर या नेहरा से नहीं बल्कि हरभजन से कराई। गेंदबाज तो पिटे ही, बल्लेबाजों ने भी घुटने टेक दिए। नतीजा, टीम दोनों मैच हार गई। 4 मैच में 9 रन बनाने वाले रविंद्र जडेजा की जगह किसी गेंदबाज को नहीं लिया गया। बतौर कप्तान टीम का बेड़ा गर्क करने वाले धोनी की बैटिंग का हाल भी देख लीजिए। धोनी ने 5 मैचों में सिर्फ 85 रन बनाए, इसमें से भी श्रीलंका के खिलाफ बनाए 23 रन हटा दें तो 4 मैच में महज 62 रन। टीम को मुसीबत से उबारने के लिए बैटिंग ऑर्डर में ऊपर उतरने का दम भी नहीं दिखा पाए। अभिरूप सिंह तड़ागी, जी न्यूज़।